नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू और आप देख रहे हैं clips.in। राजधानी में डांस का चार दिवसीय महाकुंभ शुरू हो गया है, जिसमें पूरे देश के अलग अलग राज्यों से डांस में रुचि रखने वाले हर उम्र के लोगों ने शिरकत की है। और आने वाले 3 दिनों तक डांस में पारंगत ट्रेनर्स के द्वारा इन प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन दिनों डांस का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, वहीं राजधानी में भी बड़े पैमाने पर डांस के महाकुंभ का आगाज हो चुका है, जहां पूरे देश के अलग अलग राज्यों से हर उम्र के लोग इसका आनंद लेने और डांस के गुर सीखने राजधानी पहुंचे हैं। इस कैंप को इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़ डांस कैंप का नाम दिया गया है। शहर के समता कॉलोनी में स्थित भीमसेन परिसर में यह आयोजन हो रहा है, जहां छत्तीसगढ़ी मूवी के डायरेक्टर योगेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में शहर के डांस प्रेमी युवाओं द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम को अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोगों ने भी सहयोग दिया है। 4 दिवसीय इस विशेष कैंप में प्रतिभागियों के लिए खाने पीने और रुकने की निशुल्क व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि डांस के इस महाकुंभ में 500 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया है और छत्तीसगढ़ में अपनी तरह का ये पहला आयोजन है। हो रहा है ये ICDC इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़ डांस कैंप हो रहा है। डांस का महाकुंभ हम कह सकते हैं। लगभग पूरे भारत से 500 बच्चे छात्र छात्राएं इसमें आए हैं। दिल्ली से हैं, पूना से हैं, कलकत्ता से हैं, झारसुगड़ा से हैं, राउरकेला से हैं, इंदौर से हैं, भोपाल से हैं, शहडोल से हैं, नागपुर से हैं, गोंदिया से हैं, ऐसे अलग अलग सभी जगह से यहाँ पर बच्चे आए हैं। और ये 4 दिवसीय कैंप है, जिसको हमारे वीर थापा जी और पायल साहू और इनकी पूरी टीम हम सबकी मिलकर के इसको इस आयोजन को किया है। सब बच्चे यहीं रह रहे हैं 4 दिन तक। हमने उनके रहने की, ठहरने की, खाने की सारी व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ की है। और इनको यहाँ से बहुत अच्छा डांसर, वैसे तो ये सारे लोग डांसर हैं, लेकिन इनको और डांस के टेक्निक सिखा करके यहाँ से भेजेंगे। ये एक परंपरा सी चली है कि हर प्रदेश में एक कैंप होता है, तो ये छत्तीसगढ़ का पहला डांस का महाकुंभ हो रहा है। वहीं ट्रेनर्स का कहना है कि डांस का जुनून छत्तीसगढ़ के लोगों में भी है और यहां के लोगों को बाहर राज्यों में जाकर डांस सीखने की जरूरत नहीं है। साथ ही बताया कि डांस करने के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती, बस सीखने की ललक जरूरी होती है। ये जब हम लोगों ने देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो डांसर्स हैं वो अपने डांसर्स पर ट्रस्ट नहीं करते। यहाँ के जो डांसर्स हैं उनको अगर सीखना होता है डांस तो मुंबई के डांसरों पर ट्रस्ट करते हैं, उन पर हज़ारों रुपये, लाखों रुपये खर्च करते हैं। लेकिन जब उनको पता होता है कि हमारे रायपुर में ही, हमारे छत्तीसगढ़ में एक हमारा पहचान का एक लड़का है जो उस उतना अच्छा डांस सिखा सकता है, लेकिन वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते, वो उन पर 500 रुपये, 1000 रुपये भी ट्रस्ट नहीं करते उस पर देना। इसीलिए इसको हम लोग कम से कम प्राइस में 4 दिवसीय, जिसपे हम लोग उनको रहना खाना हर चीज़ दे रहे हैं, ताकि लोग आए हमारे पास, एक बार देखे तो हमको परख के तो देखे कि छत्तीसगढ़ के लोग भी डांस सिखा सकते हैं कि नहीं। हमको हमारी छत्तीसगढ़ की कला दिखाने के लिए एक मंच चाहिए था, तो हम लोगों ने सोचा सब डांसर लोग मिल के ही वो चीज़ करेंगे। और योगेश भैया ने हमको उस चीज़ के लिए मदद किया, जिसके हम उनके लिए बहुत आभारी हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि उम्र का कोई पड़ाव नहीं रखा है हमने, कि सिर्फ बच्चे आए या बड़े आए। यहाँ पे हर तबके के बच्चे आए हैं, हर उम्र के बच्चे आए हैं, इवन जो शादीशुदा हैं वो महिलाएँ भी आई हैं। और बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं है एज का, जिसके अंदर डांस है, जो डांस कर सकता है वो यहाँ पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह ऐसा पहला बड़ा आयोजन है जिसमें देश के हर छोटे बड़े कोने से डांस में रुझान रखने वाले लोग शामिल हुए हैं। और यह राज्य के लिए गौरव का विषय है कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोग सही मायनों में तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। डांस अपने आप में ही एक गुर है, एक कला है, और इस भव्य आयोजन में डांस के प्रति जुनून रखने वाले टैलेंट भी इन 4 दिनों में सामने आएंगे। ग्लिप्स की तरफ से इस कैंप में आए सभी पार्टिसिपेंट्स को शुभकामनाएं, और इस तरह के आयोजन बार बार होने चाहिए ताकि छुपे हुए कलाकार भी सामने आ सके और उन्हें अपना हुनर दिखाने का एक बेहतर मौका मिल सके। लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए clips.in। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।